Assalamualaikum, welcome to my new video. कैसे हैं आप सब? और आज मैंने सोचा क्यों ना टेरेस में चल के जो है वो वीडियो बनाई जाए. मौसम बहुत माशाल्लाह से कल से बहुत प्यारा हुआ है मौसम. और चूंकि अब कोई इंटरटेनमेंट नहीं थी खास घर में, तो अल्लाह ताला ने अपना खास करम किया. अल्लाह ताला बस जो इस टाइम परेशानी का माहौल है, अल्लाह ताला बस ये भी वक्त जो है वो टाल दें और हम पर और हमारे प्यारों पर अपना खास करम करें. सबसे पहले मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो में जो है सबको पहले तो थैंक्स कहूँगी. मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली जिन सब ने मुझे सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस पे लाइक एंड कमेंट किया और शेयर भी की वीडियोस. और इसके अलावा वो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स जिन्होंने मुझे पर्सनली इनबॉक्स करके बताया कि वो क्या देखना चाहते हैं और कैसी प्रेजेंटेशन वो चाहते हैं, तो थैंक यू वेरी मच. ऐसा है कि मैंने कहा चलें आज ज़रा हम रूम से बाहर निकलते हैं और जो है वो बाहर टेरेस में चल के वीडियो बनाते हैं. खैर आज है जुम्मत मुबारक, आप सबको जुम्मा मुबारक. शबान का पहला जुम्मा है खैर से, तो सब ज़रूर दुआ कीजिएगा. वैसे तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है अपने प्यारों के लिए. और प्लीज़ स्टे एट होम. और बहुत ज़रूरी जिसको काम हो, सिर्फ एक बंदा जो है वो घर का जो है वो मुक्स कर लिया जाए कि जिसने बाहर जाना हो, और बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ और बहुत एहतियात करें. और बाकी जो है वो सेहत या बीमारी जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर रखें. वेल आज है जुम्मा, नमाज पढ़ने के बाद मुझे जाना है किचन में. और पहले तो बारिश होती थी ना, तो ये होता था कि क्या करें, समोसे मंगवा लेते हैं, जलेबी मंगवा लेते हैं या पकोड़े बना लेते हैं. लेकिन अभी का कुछ माहौल ऐसा है कि हमारे कोई फरमाइशी इतने प्रोग्राम नहीं चल रहे, जबकि घर में हैं मेरे मियाँ हैं या मेरे देवर घर पे. लेकिन कुछ इतना जो है वो बस हालात ऐसे नहीं है कि कोई फरमाइश करे जिस तरह से भी है. खैर लेकिन आज मैं जो था अपने हस्बैंड के कहने पर जा रही हूँ करी बनाने. और इंशाल्लाह ताला नमाज़ पढ़ के अजानें होना शुरू हो गई हैं, तो नमाज़ पढ़ के इंशाल्लाह ताला तो फिर मैं करी बनाऊँगी और वो आपके साथ शेयर भी करूँगी. और आप सब क्या पका रहे हैं आज, प्लीज़ कमेंट करें. और ये तो एक डेली का ना मसला है, आप जो है कि आज क्या पकाएं. वाला मैं चलती हूँ अंदर. और आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.